वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राबेल मेरे साथ मौजूद हैं, लेकर आई हैं आपके लिए गर्मा गर्म तीन गुड न्यूज। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, क्या सीन है भाई? हम सब मैचिंग कर रहे हैं आज, हम सब राइज हो रहे हैं। हाँ, exactly, अभी मीना आ रही है थोड़ी देर में, मैंने उनको देखा है। हाँ, और उन्होंने भी कुछ हमसे हम जैसा ही रंग पहना। वो हम बात नहीं करते एक्सीडेंटल ट्विनिंग की, एक्सीडेंटल क्या पता ये प्लान्ड ट्विनिंग हो। अच्छा, तुम्हारी और मीना की हो सकती है, मेरा तो कोई रब्ता नहीं हुआ, कोई रब्ता नहीं हुआ ये कोई मतलब ये अंदर की बात है। अच्छा जी, क्या सीन है? बड़ी खूबसूरत खबर से हम आगाज करेंगे। ये खबर आई है पाकिस्तान के शहर क्वेटा से, और क्वेटा में हम मिलेंगे नौ उम्र बॉक्सर मलाइका जाहिद से। मलाइका जाहिद ने साबित किया है कि ये कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि बॉक्सिंग की फील्ड सिर्फ लड़कों के लिए है और इसमें किसी किस्म की कोई जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, क्योंकि ये खेल सिर्फ लड़कों के होते हैं, लड़कियों के होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने क्वेटा में लड़कियों के लिए कोई बॉक्सिंग क्लब ना होने की वजह से लड़कों के क्लब से ही प्रैक्टिस का आगाज किया, और उन मुकाबलों में कई मेडल भी जीते। वो पाकिस्तान की नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग की चैंपियन भी रह चुकी हैं, और उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र से बॉक्सिंग का आगाज किया था। भाई मलाइका, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, माशाल्लाह, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप उन पाकिस्तानी बच्चों बच्चियों में से हैं कि जिनके काम को, जिनके पैशन को देख के मैं तो बहुत इंस्पायर होता हूँ। बिल्कुल, कि भी देखो, जब व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मलाइका के मेडल्स कितने जबरदस्त। आपको बताएं, इन्होंने अभी तक कोई मुकाबला नहीं हारा, कोई मुकाबला नहीं, ये अनडिफीटेड चैंपियन है। और इसमें सबसे बड़ी जो इनकी सपोर्ट है वो उनके वालिद साहब हैं, कि उन्होंने उनको बचपन से उनके ख्वाब को इतना सपोर्ट किया है कि आज वो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो मेडल्स ले लेकर आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। इसके बाद अब हम जाएंगे सूबा सिंध के शहर खैरपुर। वहां के तालिब इल्म है नबी बख्श, जिनकी एक ईजाद को बहुत पजीराई मिल रही है, और वो ईजाद क्या है कि उन्होंने अपने महदूद वसाइल में ड्राइवर हजरात के लिए एंटी स्लीप ग्लासेस बनाए हैं। एंटी स्लीप ग्लासेस? जी हाँ जी। ये क्या है भाई? ये एक ऐसी एक ऐसा चश्मा है जो अगर आपको गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाए और आपकी गर्दन यूं नीचे झुकने लगे तो ये अलार्म बजा के आपको फौरन जगा देगी। भाई मैं कहता हूँ ये तो फौरन इनको पेटेंट करा लेना चाहिए भी। मीना तारिक वो कैमरे के पीछे बैठ के सर हिला रही हैं कि बिल्कुल, बिजनेस के अंदर ये भी बड़ा जरूरी है कि आपका बिजनेस के कॉपीराइट्स जो है ना वो, तो भाई नबी बख्श ये तो बड़ा जबरदस्त चश्मा है जी। हाँ जी, इसको लगा कर आप मतलब ऊँगने लगे और ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, ये गाड़ी जा रही है जा रही जा रही, और जाते 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 हल्का सा मैं ऊँगा तो ये यूं गर्दन यूं हुई और ये अलार्म बोल जाएगा। और इसके ऊपर लागत सिर्फ आप गेस करें कितनी आई है? 25-30 हज़ार का तो बिक सकता है, मुझे पता। मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर, इसके ऊपर 3500 रुपए लागत आई है। 3500 रुपए जी। ओके। बेसिकली इस ग्लासेस में एक सेंसर लगा है जो फौरन उस वक्त हरकत में आता है जब ड्राइवर की गर्दन हल्की सी भी नीचे होती है। मेरा तो ख्याल है कि इसको तो हमारी जो नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस को भी इसके ऊपर जरा नजर करनी चाहिए जी, और जी। शायद मतलब इसको प्रमोट करना चाहिए कि जो मोटरवेज और हाईवे पे जो ड्राइवर होते हैं, ज्यादातर ऊंग का और नींद का मसला लंबे सफर लॉन्ग डिस्टेंस पे आता है। सड़कों जो शहरों के अंदर सड़कें होती हैं उसमें शायद इतना मसला नहीं होता। बिल्कुल, उस पे तो नींद आती ही नहीं है इतना, उस पे हम इतने अटेंटिव होते हैं सड़क पे, इर्द-गिर्द इतने अलार्म बोल रहे होते हैं। जी हां जी। तो और इसमें आप देखेंगे जो रोड सेफ्टी मैसेजेस होते हैं, मैं तो कहती हूं उसमें इस तरह की चीज को प्रमोट करना चाहिए। तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू नबी बख्श, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल। अच्छा जी, एंड में हम बात करेंगे थोड़ी सी हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के हवाले से। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने बाकायदा तहकीक से वाज़ह किया है कि इंसान की खुद एतमादी उसको मुतहर्रिक रखती है, जिसके इंसानी सेहत पर बहुत मस्बत असरात पड़ते हैं। इसके अलावा एतमाद के साथ वर्जिश करने से पट्ठों की ताकत में इजाफा होता है, और यही एक खिलाड़ी की ताकत का असल राज है। ठीक है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ज़हनी और जिस्मानी सेहत में खुद एतमादी का बहुत किरदार है, इसीलिए सारे जो नफ्सियाती माहिरीन हैं वो अपने मरीजों को बाकायदगी से वर्जिश करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि जिस्मानी तौर पर फाल अफराद ही ज़हनी मसाइल से निपट सकते हैं। यानी कि आपकी फिजिकल हेल्थ का बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी मेंटल हेल्थ के साथ। यानी कि एक हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड जो है उसको रखती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल जी, हम तो हमेशा राइजिंग पाकिस्तान में यही कहते हैं, हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं, कि सिर्फ आपके जिस्म की फिटनेस की बात नहीं है, यह आपकी नफसियाती और जहनी और आपकी जज्बाती फिटनेस की बात भी। बिल्कुल, आप इतने कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने अंदर, आप इतना फ्रेश फील करते हैं, और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं आपकी डेली लाइफ के जो रूटीन के टास्क हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बनिस्बत उसके जो कि अपने आप में जो उसकी थोड़ी लो सेल्फ इस्टीम हो, जिसको अपने आप पर डाउट्स हों कि पता नहीं मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। तो वर्जिश,
गुड मेंटल हेल्थ, गुड फिजिकल हेल्थ, गुड कॉन्फिडेंस और गुड डाइट। गुड डाइट बिल्कुल ये एक चीज मैं कहती हूँ कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो वर्जिश कर रहे होते हैं उसमें बड़ी एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, फौरन से जी ट्रेनर्स को आपने हायर कर लिया और आपकी डाइट ठीक नहीं है, उसका इतना बुरा असर पड़ता है बॉडी पे, चाहे आप वेट गेन करने के लिए कर रहे हो या वेट लूज करने के लिए कर रहे हो। तो गुड डाइट इज द अनदर पॉइंट जो कि इसमें ऐड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी आगे क्या है? इसके बाद है हमारे पास तस्वीरें। सबसे पहले नौशेरा से राबिया ने तस्वीरें भेजी हैं और तस्वीरें इन्होंने भेजी है अपने नॉर्दर्न एरियाज की सैर की। लो जी नौशेरा से गई है नॉर्दर्न एरियाज और राबिया ने ये तस्वीर वहां से भेजी है। भाई नॉर्दर्न एरियाज में कहाँ गई थी जरा तफसील भी तो बताती, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, फ्रेमिंग बहुत अच्छी है। वेरी गुड राबिया, जबरदस्त, शाबाश। अरे वाह जी वाह, इस पर तो बस इंसान सो जाए और बस धूप लगती रहे। बिल्कुल। इसके बाद चकवाल से नुमान मलिक ने तस्वीर भेजी है। नुमान चकवाल से हम आपको वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। फिल्टरों की भरमार कबूल फरमाइए। और फिल्टर नहीं थे नुमान तुम्हारे पास, को रह गए होंगे घर में, देखो जरा अलमारी में पड़े होंगे, वो भी लगा ओए होए ओए होए होए। लेकिन भाई तस्वीरें बहुत अच्छी नुमान, वो देखिए फिल्टर से एक एक ईंट जो है ना, एक एक पत्थर ऐसे वाजे हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी कमालिया से इरसा ने अपने घर के गार्डन की तस्वीर भेजी है। लो जी कमालिया वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। और ये इनका किचन गार्डन है और सलाद पत्ता लगा हुआ है और पीछे पता नहीं क्या है, मूली है क्या है। वाह जी वाह, बिल्कुल छोटी सी जगह पे भी आप घर में अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं, सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे आपकी बॉडी को। वाह जी वाह, ये एलोवेरा है। एलोवेरा क्योंकि स्किन का भी ख्याल रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी इसके बाद इस्लामाबाद से हुजैफा ने तस्वीरें भेजी हैं। लो जी हुजैफा वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। ये अपनी खिड़की मुझे लग रहा है इनके दफ्तर में इन्होंने ये लगाया हुआ है पौधा। अच्छा हाँ ये ऑफिस की विंडो लग रही है। ऑफिस विंडो है। वेरी गुड जबरदस्त। लो जी सेब आ गए हैं। वाह जी वाह जबरदस्त, फ्रेमिंग बड़ी जबरदस्त है ना, प्रोडक्ट फोटोग्राफी एग्जैक्टली सेंटर में रख के अच्छा जी अब हम चलेंगे कुछ मैसेजेस की जानिब। फराज टाउन इस्लामाबाद से लाइबा कह रही हैं राइजिंग पाकिस्तान में गुड न्यूज़ का सेगमेंट ऐसा है जो कभी हमें डराता है, कभी हैरान करता है तो कभी हमें खुश करता है। टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, कुछ हमारे फ़ायदे कर रही है और कुछ हमारे नुकसान भी हैं, लेकिन बहुत अच्छा सेगमेंट होता है। जी हाँ बिल्कुल, इस सेगमेंट का मकसद ये है कि आपको हम थोड़ा सा मुतनब्बे करते रहें कि भाई ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है लेकिन ज़रा धीरज से, ज़रा एहतियात से, ध्यान से चलना है, टेक्नोलॉजी के समंदर में तैरना आसान नहीं है। वकास कह रहे हैं अटक से कि राइजिंग पाकिस्तान को देखते ही हम भी राइज होते हैं, हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, इस पूरे प्रोग्राम में कोई एक सेगमेंट ऐसा नहीं है कि हम कहें ये हमारा फेवरेट है, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूं कि मीना बाजी और फहद हमारी आंखों का तारा है। बेशक बेशक मीना बाजी और फहद हमारी भी आंखों का तारा है, अगर ये आंखों का तारा सुबह सुबह तुलू हो जाए, क्योंकि ये दोनों जो है वो सुबह उठने और पहुंचने में स्ट्रगल करते हैं और हम जिस दिन इनकी ड्यूटी हो हम भी जरा बस वो थोड़ा ऑन आवर टोज होते हैं कि उठ गई मीना को फोन करो, उठ गई है, फहद निकल पड़ा है, फिर फहद की अम्मी को भी फोन किया जाता है ना, और मीना के हस्बैंड उमर को भी फोन किया जाता है, मीना को जगा दो प्लीज। अच्छा जी आखिर में गुजर खान से ईमान फातिमा कह रही हैं राइजिंग पाकिस्तान एक ऐसा शो है कि जिसमें ना शादी होती है ना मेकअप ट्यूटोरियल्स होते हैं, ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो रोज़ाना हमें तालीम देकर जाता है कि ज़िंदगी में ये भी एंगल है, इस पर भी चलकर देखो ज़िंदगी कितनी हसीन है। और मेरा ख़ास सलाम उन कैमरामैन को है जिनको एक दफ़ा स्क्रीन पर दिखाया गया था, इस उम्र में भी वो खड़े होकर एक्टिवली काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उनका नाम है आसिफ शाह और बिल्कुल आज भी वो ड्यूटी पे है, लेकिन आज हम उनको नहीं दिखाएंगे, मुझे इशारा कर रहा है कि नहीं आज मैंने स्वेटर अच्छी नहीं पहनी, लेकिन किसी दिन आपको दिखाते हैं। वैसे हम प्लान कर रहे हैं कि किसी दिन हमारा जो कंट्रोल रूम है जो कि स्टूडियो का कंट्रोल रूम है, एक दिन हम शो वहाँ से आपको दिखाएं कि हमारे जो कंट्रोल पैनल पे जो लोग बैठे होते हैं उसमें उस्मान क्या कर रहा होता है, गुलफराज क्या कर रहा होता है, ताहिर क्या कर रहा होता है, सुधीर राशिद, तो आमना क्या कर, आमना से भी आपको मिलवाएंगे और उनकी फोर मेंबर टीम से भी। और एक दिन हम सोच रहे हैं कि शो करें राबेल जो कि स्टूडियो के हमारे कैमरा पर्सन्स हैं, इन कैमरे का रुख जरा इनकी तरफ कर दिया कैमरा मैं ऑपरेट करूंगा और आपको हम बताएंगे कि कैमरा पर्सन्स कैसे काम करते हैं। मैं तो कहती हूं राइजिंग की जब एनिवर्सरी हो ना तो उस पे गेस्ट सारी राइजिंग की टीम हो। एग्जैक्टली कितना मजा आएगा, आधे रिटायर हो चुके होंगे उस वक्त। हाँ उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुला लेंगे।
बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, थे मैसेजेस। हाँ जी, यहाँ पे हुआ सेगमेंट का इख्तिताम। बहुत शुक्रिया, जीती रहो, खुश रहो। साथियों, आपके लिए गुड न्यूज मेरे पास भी है, और वो ये कि मीना तारिक पहुंच चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आज मीना बात करेंगी कैश फ्लो मैनेजमेंट पे, कि जो कारोबार में पैसा आ रहा है उसको संभाले कैसे, उसको जहानत के साथ इंटेलिजेंटली री इन्वेस्ट या यूटिलाइज कैसे करें, इसको कहते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट। इस ब्रेक के बाद इस पर बात होगी।